हेलो एवरीवन दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी टी एस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 17 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन सबके लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से देख सकते हो और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन जो है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन है आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा देखो क्या बोल रहा है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली दो पार्टनर है रीमा और सीमा जो कि अपने जो उनका प्रॉफिट है उसको बराबर बराबर बांटती हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सी एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी फिफ्टीन थाउजेंड मतलब दोनों को मंथ पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों को पंद्रह हजार रुपए मंथली सैलरी दी जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट टेन परसेंट पर एन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है फाइव परसेंट पर एन के हिसाब से एंड इंटरेस्ट ऑन विल ड्रॉइंगसेंट पर एन और जो ड्राइंग है वो कितना है टेन परसेंट पर है नम ठीक है दे आर कैपिटल फाइव थाउजेंड ईच सॉरी फाइव लैक ईच दोनों की जो कैपिटल है वो पाँच पाँच लाख रुपए है उसके बाद में आगे आपको दिया हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्स सिक्सटी थाउजेंड ईच दोनों की जो ड्रॉइंग है वो कितनी दी है साठ हज़ार रुपये दोनों साठ साठ हजार रुपये दोनों की उसके बाद द फर्म नेट uh, लॉस अच्छा अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है मैंने आपसे कहा कि uh, थोड़ा अलग है क्वेश्चन वो आपको यहाँ से समझ में आएगा अगर आपने ध्यान दिया हो और मैं आपको हमेशा बताती भी हूँ पिछले क्वेश्चन तक ऐसा कि हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमेशा नेट लॉस नेट प्रॉफिट चाहिए होता है तभी तो हम अकाउंट एप्रेश, बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको पहले ही बताया गया है, बनाना है। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो अगर फॉर्मेट की बात करें तो सिंपल फॉर्मेट जैसे अब तक हमेशा होता है वैसा ही फॉर्मेट है अप्रोप्रिएशन फॉर द एंडेड मार्च थर्टी फर्स्ट ठीक है अब देखो सबसे पहले लॉस हुआ है क्वेश्चन में गिवन है आप यहां लिख लो टू एंडल नेट लॉस क्योंकि ये आपको पता ही अगर प्रॉफिट होता तो हम इधर लिखते आप नेट लॉस जो है वो कितने का हुआ है एक लाख रुपए का ठीक है इसके बाद में क्रेडिट साइड में आ जाओ इधर आप लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखो आप रीना सॉरी रीमा और दूसरे का नाम है सीमा अब इनकी कैलकुलेशन में आपको यहां ना बताकर अलग से बता रही हूं अब देखो ऊपर क्या दिया हुआ है ड्राइंग कितनी है इनकी ड्यूरिंग द ईयर सिक्सटी थाउजेंड ईच दोनों की साठ हजार रुपये ड्रॉइंग है तो आप पहले यहां पे लिख लो इनकी ड्रॉइंग कितनी है साठ हजार इसकी भी साठ हजार रुपये है ये टेन परसेंट ये भी टेन परसेंट ये क्वेश्चन में गिवेन है यहां तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टेन परसेंट के हिसाब से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करनी है लेकिन कहीं पर भी हमको ये नहीं बताया गया है कि ड्राइंग जो है वो कौन से मंथ में मतलब कब से कब तक की कैलकुलेट करनी है और जब भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में इन, मतलब डेट ना दी गई हो कि ड्राइंग कब से कब तक की कैलकुलेट करनी है तो आप ड्राइंग एक साल की ना कैलकुलेट करके हमेशा छह महीने की ही कैलकुलेट करते हो ठीक है तो आप इनको छः महीने की कैलकुलेट करोगे जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो जो रीमा है उसकी ड्राइंग निकल कर आएगी सिक्स थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड रुपीज और सीमा की जो ड्राइंग है वो निकल कर आएगी थ्री थाउजेंड रुपीज ऐसे करके दोनों की टोटल मिला के ड्रॉइंग कितनी है सिक्स थाउजेंड रुपीज मतलब शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों की ड्राइंग जो है वो कितनी है सिक्सटी सिक्सटी थाउजेंड की है टेन परसेंट क्वेश्चन में गिवन है कि टेन परसेंट के हिसाब से ड्राइंग कैलकुलेट करनी है बट पीरियड नहीं बताया गया है कि ड्राइंग कब से कब तक की कैलकुलेट करनी है जब भी क्वेश्चन में पीरियड ना बताया गया हो तो आप हमेशा सिक्स मंथ की ही ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे ठीक है इसके बाद में टोटल तो लगा लेते हैं हम तो आप देखोगे टोटल हमें पता चल रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा है इधर वन लाख तो आप टोटल लगा दो वन लाख सेम टोटल इस साइड भी अब बात आ जाती है यहाँ पर लॉस निकालने की तो बाय लॉस देखो हमें दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट या लॉस को इक्वली बांटते हैं तो वन इज टू तो वन के रेशियो में बांटेंगे दोनों वन लाख में से सिक्स थाउजेंड आप माइनस करेंगे तो नाइनटी फोर थाउजेंड आता है कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको अलग से यहाँ पे निकाल कर बता देती हूँ कौन कौन है रीमा और सीमा जब आप वन लाख में से सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे तो नाइन्टी फोर थाउजेंड नाइन्टी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई वन टू सेम ऐसी नाइनटी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू क्योंकि इक्वल इक्वल दोनों तो ये रीमा और ये सीमा तो देखो रीमा का जब आप नाइन्टी फोर थाउजेंड का हाफ करेंगे तो फोर्टी सेवन थाउजेंड सेम ऐसे ही फोर्टी सेवन थाउजेंड इसका ठीक है तो ये टोटल कितना हो गया नाइन्टी फोर थाउजेंड ओके होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा मैंने ईजी करके बहुत समझाने की कोशिश की है स्टिल आपको कोई भी डाउट है कुछ भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है आप बता सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर एटीन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में मतलब वीडियो को लाइक किया करो क्योंकि आ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है क्योंकि मैं देखती हूँ कि व्यूज काफी सारे होते हैं काफ़ी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते तो यार प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए और आपके लाइक ही हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं तो लाइक करना मत भूलना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय थैंक यू सो मच